मार रहे हो ऊपर। अबू निकल रहा है बाहर। अरे तो फिर पकड़ लो, लगा रहा क्या आंगड़े बंदे हुए थे मुझे इसका डाको ना इसकी। नहीं नहीं डेनी को हटा उधर से। अरे सब गया, घर गंदा हो रहा है। उठा के थैली अंदर डाल दे। नहीं निला रहा है उसका, रुक जा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छे ही हो गए। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं खेकड़े का सालन और बांगड़ा फ्राई। खेकड़े देखो जिंदे अभी भी हिल रहे आंगड़े निकालने के बाद। ये भी जिंदी है क्या? हिल रही है। हमने इंग्रेडिएंट्स निकाल दिए हैं खेकड़ा बनाने के लिए, तो मैं इसकी रेसिपी नहीं बताऊंगी और बस आपको बताऊंगी कि इसके लिए क्या क्या लेते हैं बनाने के लिए। यह है धनिया, जीरा, सौंफ, काली मिर्च। यह है ये कौन सी मिर्ची है मम्मी? ये तीखी वाली, ये पांडे मिर्ची बोलते हैं। अच्छा ये पांडे मिर्ची है। लहसुन ले लो, मिर्ची ले लो, कोथमीर ले लो, खोपरा ले लो, सूखा खोपरा है ये। और ये अनियंस को मम्मी ने रोस्ट कर लिए है। ये सब इंग्रेडिएंट्स लगेंगे खेकड़ा बनाने के लिए। बहुत ही टेस्टी बनता है ये खेकड़ा। और जो जो हमारे चैनल पे न्यू है वो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो। और इसमें हम डालेंगे मालवनी मसाला। साइड में एक फोटो पॉप हो रहा होगा, वो इंग्रेडिएंट्स आपको लेना है और अच्छे से रोस्ट कर लेना है फूटने तक ना, मतलब हाथ में एक दाना फूटना मांगता है। क्रैकर अभी मम्मी आपको बताएंगे कैसा रोस्ट होना चाहिए प्रॉपर। एक बताओ, रुको दिखा नहीं लोगों को मेरे को नहीं दिखा, लोगों को दिखा। हाँ एक मिनट, हाँ ऐसा टूटना चाहिए, टूटना मांगता है हर एक दाना। तो मतलब परफेक्टली रोस्ट हो गया है आपका मसाला। इसको भी भून लेंगे हल्का सा, इसको भी हल्का सा भून लेंगे। और मिर्ची वगैरह को, मिर्ची वो नहीं। अच्छा ये प्याज को तो रोस्ट क्यों मैंने डायरेक्ट। हाँ, इसको डायरेक्ट गैस पे स्टोव पे भून लो, सेक लो मतलब। और इसको नहीं भूनेंगे, सिर्फ पांडे मिर्ची, खोपरा और लहसुन को भूनेंगे। अगर आप लोग तीखा नहीं खाते हैं तो ये अवॉइड कर सकते हैं। इसके बाद जाए कश्मीरी मिर्ची भी ले सकते हैं। बट खेकड़े का सालन का जो मजा होता है ना वो तीखेपन में ही होता है, जो इस मिर्ची से आता है और एक ये काला मिरी से आता है। ये दो इंग्रेडिएंट इसके मेन है बस। ठंडा होने दे ना। नहीं नहीं हाँ ये देख ना, मिर्ची रोस्ट हुई है, देख फूल गई है, देख। हाँ तो ये मिर्ची भी फूल जाती है ऐसी। अनियन को मैं कट कर, सारे केकड़े हमारे क्लीन हो चुके हैं। शेल हम लोग ने अलग कर दिए।
मसाला अच्छे से भुन चुका है और मैंने थोड़ा अंदर पानी भी ऐड कर दी वो भी, और अभी बस मैं इसमें केकड़े ऐड करूंगी। अभी और थोड़ा एक ग्लास आधा ग्लास पानी डाली थी, एक ग्लास और पानी डाली मैंने। अभी आप लोग जितना ग्रेवी खाते हैं, भाई पतला खाते हैं, मैं हम लोग गाढ़ा खाते हैं थोड़ा, तो हम लोग हमारे हिसाब से बनाते हैं, आप लोग अपने हिसाब से बनाएंगे। हम लोग रात में बनाने वाले हैं मच्छी फ्राई, क्रैब का सालन है ना, और क्रैब का सालन कोई छोड़ सकता है? तुम लोग नहीं छोड़ते? हम लोग नहीं छोड़ सकते, हम लोग क्रैब बहुत पसंद है। और साथ में हम लोग खाएंगे सुरमई फिश फ्राई, तो मम्मी लगा रहे हैं मसाला मच्छी को, चावल भी चढ़ा दी हूं। एज यूजुअल इसको जैसा हम लोग फ्राई करेंगे वैसा ही इसको फ्राई कर देंगे।
क्लिप लेने मिला तो लेंगे, नहीं तो फिर कच्ची मच्छी देख लो आप लोग। एकदम मसाला ठहरा उसके ऊपर, ठहरा थी, मुंह में आना चाहिए मसाला। इसी के साथ हम आज के व्लॉग को एंड करते हैं। बांगड़ा हमने फ्राई नहीं किए थे, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, बेल आइकन को हिट करना मत भूलो। अल्लाह हाफिज़।